हेलो गाइस, कैसे हो सब? कोरोना से बचे हुए होंगे आई होप। ऑल आर प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना। सबसे पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, फिर अगर तबीयत ठीक होगी तो हम पढ़ाई भी प्रॉपर से कर पाएंगे। नाउ वो स्टार्टेड टॉपिक ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पेपर के लिए सी टेट पेपर्स हो गए, एच टेट हो गया, KBS एग्ज़ाम, DSSB में चाइल्ड डेवलपमेंट आती है, वो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग डन बाय स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली एट द एंड ऑफ यूनिट यूजिंग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड अप्लाइंग मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूएशन इज नॉन एज पीरियडिसिटी। मतलब जो असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है बच्चे की, हम एंड में देखते हैं, मतलब जब रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, इवेल्यूएशन। मतलब क्या है वो, पीरियडिसिटी ऑफ इवेल्यूएशन। इफ अ स्टूडेंट रॉन्गली कनेक्ट हिज और पीरियड, मतलब अगर बच्चा जो है मतलब अपनी प्रीवियस नॉलेज रॉन्गली कनेक्ट है विद ए न्यू टास्क और टॉपिक, इट कैन लीड टू नेगेटिव ट्रांसफर। मतलब वो अपनी प्रीवियस नॉलेज का प्रॉपर से यूज़ नहीं कर पा रहा नए टॉपिक के अंदर, तो वो क्या है कहना, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। इफ अ बॉयज हु कैन ड्राइबल अ बास्केटबॉल विद हिज राइट हैंड, नाउ ड्राइबल ए विद हिज लेफ्ट हैंड एज वेल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। मतलब बाइलेटरल ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, जो दोनों तरफ से ट्रांसफर हो। मतलब पहले तो वो बॉय जो है वो बास्केटबॉल को ड्राइबल कर रहा है, मतलब फेंक रहा है राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, तो ये बाइलेटरल। अब बाइलेटरल की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता है कि बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग लेटर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ट्रांसफर ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। मतलब ये बाइलेटरल ट्रांसफर की क्या होगी डेफिनेशन। हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड इज द मोस्ट अनरिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ द लेवल ऑफ अ चाइल्ड एजुकेशनल अचीवमेंट। इट शोज ओनली फिजिकल अपीयरेंस एंड बट नॉट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। मतलब जो हाइट और वेट है वो किस चाइल्ड की किस डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ चाइल्ड नॉट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, फिजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड एंड रीडनेस। मतलब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है लर्निंग के, मतलब फिजिकल हेल्थ एंड रीडिंगनेस टू लर्न। मतलब फिजिकल हेल्थ और रीडिंगनेस टू लर्न दोनों इंपॉर्टेंट। कहता है कि हिंट क्या है इसका, फिजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत सारे लिंक विद लर्निंग। मतलब अगर बच्चा स्वस्थ है, कॉग्निटिव प्रोसेस उसकी सही है, तो वो क्या है प्रॉपर से काम कर सकता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही सफिशेंट।